आइए सुनते हैं चंदा केसेट का प्रोग्राम। चंदा केसेट के चहेते सभी सुनने वाले श्रोताओं को राम राम। चंदा केसेट का श्रोताओं तुमने काम सुना होगा, तुमने काम सुना होगा, कोशिंदर सिपाल कभी गाने में नाम सुना होगा। हंसराज हारमोनियम का संगीतकार सुना होगा, संगीतकार सुना होगा, गोपी तुरसन दोनों का जोड़ा एक सार सुना होगा। प्रेमी बंधु, चंदा केसेट के माध्यम से आपकी सेवा में पेश है नौबहार धर्म देवी का दूसरा भाग। जी हाँ, नौबहार धर्म देवी का दूसरा भाग, तो लीजिए शुरुआत करते हैं कि जब नौबहार को एक बेटे की तरह से धर्म देवी ने पाला जंगल में, और जब नौबहार की उम्र लगभग 12 साल की हो गई, तो दोस्तों 12 साल की उम्र में उसे होश आया और उसने पूछा धर्म देवी से, तुम कौन हो और मैं कौन हूं। मेहरबानों, सारा हाल बताया धर्म देवी ने कि मैं तुम्हारी विधाता हूं और तुम मेरे प्राणनाथ हो। जब तुम्हारी उम्र 9 महीने की थी तो मेरी और तुम्हारी शादी उस समय में हुई थी। मेहरबानों, किस तरह से नौबहार धर्म देवी से कहने लगा कि अब कुछ दुख में शामिल मैं भी हो जाऊंगा। धर्म देवी तेरे करम करे का न्या छाटन जो गाहो गया, इब तू फिकर करे मत ना, दुख बाटन जो गाहो गया। करे का न्या छाटन जो गा हो गया, इब तू फिकार करे मत ना, दुख बाटन जो गा हो गया। कमावे लानत से पीन खान ते, धर्म देवी तेरे बाहर जानते मैं नाटन जो ग
फीका हो गया, अब तू फिकारी कर मत ना, दुख बाटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे करम करे का, ना छाटन जो गा हो गया। अब तू फिकारी कर मत ना, दुख बाटन जो गा हो गया। कार कसूती पकड़ी, आनंद कर तेरे बदले में लकड़ी काटन जो का हो गया। अब तू फिकारी कर मत ना, दुख बाटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे करम करे का, ना छाटन जोगा हो गया। अब तू फिकारी कर मत ना, दुख बाटन जोगा हो गया। बाटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे करम करे का, ना छाटन जोगा हो गया। अब तू फिकारी कर मत ना, दुख बाटन जोगा हो गया। जा गायक सा जोड़ा, घना नहीं ते थोड़ा थोड़ा, मन डाटन जो गा हो गया। अब तू फिकारी कर मत ना, दुख बाटन हो गया। धर्म देवी तेरे
करम करे का न्या छाटन जो गा हो गया इब तू फिकर कर मत ना दुख बाटन जो गा हो गया बाहर कहने लगे धर्म देवी अभी इस कुटी में रहना बेकार है चलो अपनी नगरी में चलेंगे मेहरबानों दोनों ने घर चलने की तय की और चलते चलते दिन छिप गया होनहार की बात दोनों प्राणी बियाबान में एक पेड़ की जड़ में लेट जाते हैं दोनों को नींद आ गई साथियों जिस पेड़ की जड़ में सोए हुए थे उस पेड़ की खोड़ में एक जहरी नागा रहता था रात्रि के समय उस बैरी बिशियर ने निकल के और अभागी नौबहार के शरीर पर डंक चला दिया साथियों जहर सारे बदन में फैल गया सवेरा होया सवेरा होते ही धर्म देवी की आंखें खुली और मेहरबानों जब मुंह में नीले झाग देखे तो जो आशा और उम्मीद जो दुनिया के सपने थे आज उन पर पानी फिर गया दिन लकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई मुँह में नीले झाग देख के दाड़ मार डकराई जन लकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई मुँह में नीले झाग देख के दाड़ मार डकराई
कफन काटी, एक लाठी वा भी टूट गई, हाँ एक लाठी वा भी टूट गई, जाति ना धीर बंधाई। जब आंख खुली सतीपति की ओर लखाई, मुंह में नील झाग देख के दाड़ मार डकराई। देवी ने नौबहार नवजात बच्चे को अपना पति स्वीकार कर लिया। दोस्तों कुछ आशा और उम्मीद थी बियाबान जंगल में, जो जवान उम्र में सुहागन बनना चाहती थी, आज वो अभागन और कागन बन के 12 वर्ष बच्चे को इस तरह से पाला जैसे एक माँ अपनी औलाद का पालन पोषण करती है। मेहरबानों 12 वर्ष के बाद खेलने कूदने का समय आया तो बैरी बिशियर ने आज नौबहार को डस लिया। साथियों अब तो प्रभात का समय है और वो भाग्यहीन धर्म देवी सत्य की शिला
अपने प्राणनाथ नौबहार की छाती में सर मारती है और बियाबान जंगल में आज उसकी आवाज को सुनने वाला कोई मानसमती नहीं। परमात्मा मेरी आवाज को सुन ले, मुझे भी बैरी बिस्या डस ले। किस तरह से कहने लगी,
सा बार बंदा सास ससुर ने जाके महल में अब कैसे मुँह रे दिखाऊं परेशान धर्म देवी आखिर में अपने पति नौबहार को एक लकड़ियों का बेड़ा बना के दरिया में बहा देती है साथियों और किनारे किनारे चल देती है। अब तो चलते चलते शरीर की सामर्थ्य टूट गई और किनारे पर अचेत होके गिर पड़ी। किसी साधु ने उसे धीरज बंधाया, मेहरबानो धर्म देवी पति के बैराग में जोगन बन के भजन में लौलीन भ्रमण करती फिरती है बियाबान जंगल में। उधर नौबहार का जहर ईश्वर की कृपा से बहते बहते पानी की झाल जब उसके शरीर में लगती है तो जहर कम हो जाता है और कोई सांस आने लगता है। उस दरिया के किनारे पर एक कर्नाटक शहर बसा हुआ था। वहां के राजा विरधवान की पुत्री आशा देवी रोजाना उस दरिया में
बड़ के वर के लिए तपस्या किया करती थी। उसकी ये प्रतिज्ञा थी कि उपासना के बाद आंख खुलने पर जो पुरुष मुझे दिखेगा उसी को मैं अपना वर समझ पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। देव योग से नौबहार का बेड़ा आशा के पास आ जाता है। क्या समय था जगमग जगमग ज्योत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा। वर मांगण ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग ज्योत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा। वर मांगण ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। पति की खातर आशा कर रही खड़ी तपस्या जल में। दरिया के महिषी लगे जन शक्ति नाभ कमल में। बे माता ने अजब घड़ी छोड़ी ना कमी नसल में। ए चेहरे पे लाली चमके दिशा सुरग फूल स्वयं बल में। स्वर्ग तकमती के हो से रे स्वर्ग तकमती के हो से इस मानस ते घर वासा। वर मांगण ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग ज्योत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा। वर मांगण ने दरिया में समाधि आसा। सुगड़ जवान हूर की काया मध जो बन में भर री। शहर के गोरे दरिया में इंदर किसी परी उतर री। आशा अवधूत भगत की तरिया ध्यान राम में धर री। देखण आड़े सोच करे किसी घोर तपस्या कर री। जन इंद्र पद ले वन खातर तप करे मुनि दुर्वासा। वर मांगण ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग ज्योत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा। वर मांगण ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। धर्म रहे जे रहे कर्म सर जीवन पेड़ा हो से। जड़
पाप रहे उड़ रहे कपट दुखिया का खेड़ा हो से। पाप करनिए मानस का जल्दी इन मेड़ा हो से। रबो चक्कर से पार तरनिया धर्म का बेड़ा हो से। धर्म दबाबन कटे नहीं रे, धर्म दबाबन कटे नहीं। लख 84 का फसा मर मांगन में दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग ज्योत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा। मर मांगन में दरिया में रही लगा समाधि आसा। अपन में स्वर की नीति ते सच्चा संसार लिखा था। नाग खुली बीड़ा दिखा न्यू है करना प्यार लिखा था। तीन रानियों का राजा वो है नौ बार लिखा था। आशा की किस्मत में तू मुर्दा भरतार लिखा था। चंद्र लाल सती के जी ने, चंद्र लाल सती के जी ने हो गया नया तमाशा। हे वर मांगण ने दरिया में लगा रही समाधि आसा। जगमग जगमग ज्योत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा। वर मांगण ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। मेहरबानो एक प्रेम के आगोश में धर्म देवी ने सोचा भक्ति मेरी पूरी हो गई, लेकिन जब सूरत को देखा तो वो तो मुर्दा था। मेहरबानो सांस आ गया और जब चेहरे पर जिंदगी के लक्षण देखे तो होश में आने पर नौबहार को अपने महल में ले जाती है। एक साल गुजर गया दोस्तों जनानी महल में। साथियों पहरेदारों ने उनकी गुप्तगु बातचीतें सुन ली और राजा से शिकायत की। राजा वृद्धान ने हुक्म दे दिया कि उसे पकड़ कर ले आओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जैसे ही धर्मदेवी ने यह सुना तो नौबहार को पास में जो बाग था माली को लोभ देकर के 5 असभ्यों का और नौबहार को बाग में भेज दिया। मेहरबानो नौबहार से नाम पूछा तो नौबहार ने अपना नाम तोता बता दिया। माली की लड़की का नाम था पुष्पा, लेकिन प्रेम में आज तो उस पुष्पा का नाम भी मैना पड़ गया। मेहरबानो पहरेदारों ने जब बाग में जाकर के छानबीन की तो माली ने बताया इस बाग में मैं, मेरी मालन, मेरी इकलौती लड़की और मेरा दामाद रहते हैं और कोई गैर आदमी नहीं। रखवाल के लिए आज तो पुष्पा और तोता बाग में भेज दिए तो कैसे दोनों की नजर से नजर लगती। प्रेमी बंधुओं नजर बाग में नजर को हमने नजर लड़ाते नजर से देखा। नजर बाग में नजर को हमने नजर लड़ाते नजर से देखा। नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर को घाया नजर से देखा। छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी जरा मन की घुंडी खोल मैना परदेसी ते बोल। छुप छुप बैठे क्यों चुप बैठे
बैठे रे जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल। अब तो शादी का ब्योंत बन गया। अच्छा तो मेरे मन में बस की मैं ना चल देख ले आपका जवाब दे दूंगा मैं कैसा ही। तू मन मंदिर की मैना से मैं देव पुजारी तेरे लिए नई बसाई भाग्या के माँ दुनियादारी तेरे लिए राज कमर तमाली बन गया मैं ना प्यारी तेरे लिए जो कुछ है परिहाजर है सब जान हमारी तेरे लिए बनी हूर फिरे क्यों दूर फिरे आ मेरे री सामने डोल मैं ना परदेसी ते बोल छुप छुप बैठे क्यों चुप बैठे जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी जरा मन की घुंडी खोल मैं ना परदेसी ते बोल तोते और मैं ना क्या कह दे तोते तुझे भी कुछ कहना मुझे देख ले आपको बता दूंगी सारी बात बिल्कुल प्यार भरी बात मैं कह दे अरे मस्त जवानी दीवानी नौजवान तुम्हारी बनी रहे मैं सूचत चकोर चांदनी शान तुम्हारी बनी रहे से दर्शन की प्यासी मैं ना जान तुम्हारी बनी रहे इन बाग्या के माँ इन बाग्या के माँ मेहमानी मेहमान तुम्हारी बनी रहे मटक मटक सिर पटक पटक तू चुलम ना हम पे तोल तोते बिन शादी मत बोल मैं ना परदेसी ते बोल छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी री जरा मन की घुंडी खोल मैं ना परदेसी ते बोल चुप चुप बैठे क्यों चुप बैठे रे जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल और इन शादी में कसर भी की रहेगी एक काम करिए अपनी शादी में बनवा दी और बुला दी अरे ये तो बारात में शामिल होंगे इसमें कहने की बात है आपका अपनी चाची का या बहन के चूतला पर लगवाऊं गरम चिमटा ऐसा नहीं होगा और मेरी बात सुन ले तोते का जी डटे प्रेम के पिंजड़े में फंस के मैं ना निर्गुण तोता गुजर करे तेरे बाग्या में बस के मैं ना तेरे गजब नैन की तेरे गजब नैन की घूर चोट मेरे सीने में चसके मैं ना तोते के जब तोते के जब सेड़ खोदो बात करे हंस के मैं ना तने सगड़े ने ठंडा ना कर दू आज न्यारी पाटे ना प्यारी नाते नारी साथी का कर ले खोल में ना परदेसी ते बोल तोते बिन शादी मत बोल छुप छुप बैठे क्यों चुप बैठे जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल मैं ना बिन शादी क्यों ना बोल बस एक बात तो है मैं ना अकेले मानस का जी भी नहीं लगे चार ले आता अपने संग मैं ना बहुत खुशी तेरे मेरे साथ बसे घर डेरे ते तेरे आगे ऐसे दबू जस नागण दबे सपेरे ते तेरे हुक्म ते दूर नहीं चाहे बचन भरा ले मेरे ते तीन चार दिन ठहरी यहाँ शादी कर लूंगी तेरे ते यू तो बात तने कभी माफूल कर दी बेटा भर गया मन के माड़ी बनू घर आड़ी दूपिया पे पंखा झोल मेरे ना बिन शादी मत बोल मैं ना
शादी मत बोल। निघात निघा मिला के मैना वीर मरद की जात मिला, जती सती के सभा कर तोते प्रेम गाते गात मिला, करिए पक्का तोड़ परी कद रही हो फर्जी बात मिला। ये चंद्रलाल थी ये चंद्रलाल यकीन समझ में पति समझ के हाथ में रंग लूटेगा इसा लूटेगा मेरे प्यार का ये कंट्रोल में ना परदेसी ते बोल। तोते धीरे धीरे बोल में चुप चुप बैठी क्यों चुप बैठी जरा मन की घुंडी खोल में ना परदेसी ते बोल तोते बिन शादी मत बोल। जिसको जिसको दिल से किसी चीज की जरूरत होती है, जिसको दिल से किसी चीज की जरूरत होती है, तो उस खुदा के वास्ते एक ना एक दिन उस शुभ घड़ी की मुहूर्त होती है। साथियों, अब तो तोता और मैना के नाम से मालिक की लड़की और वो नौबहार दोनों समय गुजारने लगे हंस खेल कर। और नौबहार तो पिछली सारी याददाश्त भूल चुका था। मेहरबानों, जो भिकारण के रूप में जिसने 12 साल पहले गुजारे और अब फिर वियोग और कलह में अपना समय बिता रही थी, भिकारण के रूप में घूमती फिरती हुई कर्नाटक शहर की ओर बढ़ रही थी धर्म देवी। मेहरबानों, आज तो नौबहार ने फूल मालाओं की दुकान सजा रखी थी और उस फूलमाला की दुकान पर भटकती हुई धर्म देवी भीख मांगने लगी तो फटकार दिया नौबहार ने। लेकिन दोस्तों, धर्म देवी ने अपने प्राणनाथ नौबहार को पिछान लिया और कहा भी, लेकिन एक नहीं मानी नौबहार ने, क्योंकि उसे याददाश्त नहीं थी। मेहमानों, मजबूर होकर आज धर्म देवी राजा वीरध्वान के दरबार में पहुंच गई। महाराज, मेरा न्याय करिए। साथियों, किस तरह से एक तो पहली ब्याहता धर्म देवी, दूसरी आशा देवी और तीसरी वो पुष्पा नाम की लड़की, तीनों के साथ शादी होगी जबरदस्त और खुशहाल माहौल में होगी। किस तरह से न्याय करेंगे राजा वीरध्वान, सुनेंगे चंदा के सिग्नल। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया, राजा ने दरबार करया, साम दाम दंड भेद जान राजा ने सोच विचार करया, सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने सबते पहलम खबर भेज के
कर्नाटक शहर चलिया आया रिश्तेदार ब्रादरी आगे ब्याह कराया आनंद पाया जस नल दमयंती के स्वयंवर में भीम राव के रंग छाया प्यारों में
स्वयं फैसला यो मीटिंग हुई सारों में। सच्चा न्याय करण की खातरी राजा ने दरबार करया, राजा ने दरबार करया। साम दाम दंड भेद जान राजा ने सोच विचार करया, सच्चा न्याय करण की खातरी राजा ने दरबार करया, उस राजा ने दरबार करया। और दोस्तों, चंदा केसरी के माध्यम से ये प्रोग्राम जो हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित है, नौबहार धर्म देवी, जी हाँ, ये नौबहार धर्म देवी का किस्सा चल रहा था और किस्से का यहीं पर समापन किया जा रहा है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और अब एक नजर, एक झलक सुनेंगे पिंगला भरतरी के किस्से में से, जो आपकी सेवा में बड़ी जोरदार चंदा केसरी कंपनी की तरफ से आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है। सुनिए पिंगला भरतरी